जिंदगी की हकीकत का सामना करने का वक्त आ गया है। क्या टाइम हो गया? सुबह के पूरे 10 बज रहे। 10 बजे? हमें अब तक सो रहा था। जब पूरी रात जागते रहोगे तो नींद तो आएगी ना? हाँ, तभी सोने का टाइम निकल चुका है। रात भर तुम्हें तो देख रहा था, तुम्हारे चेहरे को अपनी आंखों में, अपने दिल में हमेशा के लिए बसा लिया संजना। पता नहीं जिंदगी तुम्हें कभी दोबारा देखने का मौका देगी या नहीं। पता ही नहीं चला कब तुम्हारे साथ जीने की आदत पड़ गई। तुमसे दूर जाने के बाद पता नहीं मैं जी भी पाऊंगी या नहीं। राज, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। वैसे भी आज हम लोग जा रहे हैं ना। हमारे लिए सबसे जरूरी है कुणाल कपूर के 500 करोड़ का बिजनेस। एक बार वो बिजनेस हमारे हाथ में आ जाए ना, तो फिर ये गौरियों की लाइन में तुम्हारे पीछे खड़ा कर दूंगा। लेकिन इस वक्त हमें बिजनेस पर ध्यान देना है, ना ही गौरी पे। वैसे तुम अगर कुणाल से मिलने जा ही रहे हो तो एक बात का पता कराओ कि ये याददाश्त होने का नाटक है या हकीकत है। हाँ, अगर हकीकत है तो बस उसके 500 करोड़ का बिजनेस अपना हो जाएगा और उसे कानों कान खबर तक नहीं होगी।
सोच भी नहीं सकती कि नामदेव चौहान जैसे इंसान के साथ मेरा कोई वास्ता हो सकता है। धोखेबाज, बेशर्म इंसान है। अपनी बेटी की जिंदगी, उसका बसा बसाया घर तो बर्बाद कर दिया इसने। गौरी को बर्बाद करना चाहता है। वो ये भी भूल गया कि उसकी खुद की बेटी की डोली गौरी के घर से विदा हुई थी। नामदेव एक बहुत स्वार्थी इंसान है, वो कभी नहीं सुधर सकता। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी हद तक गिर सकता है। उसे सिवाय अपने मतलब के और कुछ नहीं नजर आता। वो अब गौरी के पीछे पड़ा, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं गौरी को शैतान से बचाऊंगी। उसके मां बाप का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। मेरी बेटी की डोली वहां से विदा हुई थी। एक बाप अपनी बेटी की विदाई का एहसान तो भूल सकता है, लेकिन एक मां नहीं। मैं करूंगी गौरी की रक्षा। मैं बचाऊंगी उसे नामदेव चौहान से। मैं बचाऊंगी उसे। लेकिन मैं करूं क्या? इस राक्षस ने तो मुझे यहाँ कैद कर रखा है। सारी दुनिया से कटी नहीं हूं मैं। किसी को नहीं मालूम मैं कहाँ हूं। अपनी बेटी को तो सही रास्ते पर ला नहीं सकी, लेकिन मैं गौरी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा यहां से जाने के लिए। नामदेव की इस कैद से रिहा होने का कोई ना कोई रास्ता मुझे ढूंढना होगा। गौरी की रक्षा करनी होगी, उसे बचाना होगा। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है ना कि टॉवल ऐसे नहीं फेंकते, लेकिन तुम होगी। सॉरी, मेरा मतलब था कि तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरी नात को बदलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। एक्चुअली तुमसे मिलने से पहले मुझे यूं टोकने वाला और इन सब बातों का ख्याल रखने वाला तो कोई नहीं था। स्टे वही हुआ अब ठीक? कुछ ही पल में मेरे लिए ये घर भी पराया हो जाएगा। जिंदगी में जो मिला था आज फिर सब खो जाएगा। मैं तुम पर आज अपने सारे हक खो दूंगी राज।
आज के बाद तुम्हें डांटने वाला कोई नहीं होगा। सोचा था तुम्हें जिंदगी में दोबारा अकेले नहीं होने दूंगी, लेकिन हालात पर शायद किसी का बस नहीं चलता। आज तुम फिर आजाद हो जाओगे राज। मेरे जाने के बाद शायद शायद तुम्हें मेरी कभी याद नहीं आएगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी, कभी नहीं राज। आज के बाद राज का ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी याद बहुत आएगी संजना। सर, क्या हुआ भाई? इतने घबराए हुए से क्यों? बैठो। सर, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। आप प्लीज जरा टाइम देखिए सर। कमाल, तुम यहाँ मेरे पास टाइम पूछने आए हो? सर, सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरा कुछ तो ख्याल कीजिए सर। आप जानते मेरी बीवी बच्चे हैं सर, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा परिवार तो सड़क पे आ जाएगा ना सर। सर जरा सोचिए, मेरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है सर। अरे भाई, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? शांत हो जाइए और मुझे शांति से बताइए क्या बात है। सर, वो बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत खतरनाक आदमी। कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? गोपाल की बात कर रहा हूँ मैं। आज आपने उससे लव गार्डन में मिलने का वादा किया था और आप अभी तक यही बैठे हुए हैं। सर, अगर आज आप उससे मिलने के लिए नहीं गए ना तो आपसे कुछ नहीं कहेगा, वो कल को मेरा काम तमाम कर देगा सर। सर, सर आप निकलिए प्लीज, आप निकलिए सर। अरे हाँ, मुझे तो गोपाल से मिलने जाना था। एक्चुअली क्या है ना, जब से मेरी याददाश्त गई है मैं कुछ ना कुछ भूलता रहता हूँ। तो चिंता मत करो, ये लो एक ग्लास ठंडा पानी पी लो। सर, पानी वानी मैं पीता रहूंगा, प्लीज सर निकलिए सर प्लीज। हाँ भाई हाँ, गोपाल से मिलने के लिए तुमसे ज्यादा तो मैं बेताब हूँ। गोपाल से मिलने के लिए तुमसे ज्यादा तो मैं बेताब हूँ, और मुझे याद भी था, लेकिन वो खैर अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया। I'm sure, I'm sure कि वो वहां पहुंच गया होगा अभी तक। अरे हाँ, थोड़ी देर में मैं भी पहुंच जाऊंगा, चलता हूँ। हाँ मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मेरे लिए अगर कोई फोन आए, कोई मेरे लिए पूछे तो ये मत कहना कि मैं गोपाल से मिलने गया हूँ, बोल देना कि कोई मीटिंग में हूँ। सर मैं यहाँ सब संभाल लूंगा, आप जाकर उस जल्लाद को संभालिए सर। सर सर प्लीज निकलिए। ठीक है भाई, जा रहा हूँ। हाँ सर, अब क्या हुआ? सर बहुत खतरनाक आदमी है, अपना अपना ख्याल रखिएगा। भगवान इनको बचाए, बचाए ना बचाए पर मुझे बचा लेना तुम। संजना, संजना प्लीज जल्दी करो, खाना सब ठंडा हो रहा है। संजना, अरे बाप रे, क्या है? खीर बनाई है। सुबह सुबह खीर बनाई तुमने? इतना सारा ब्रेकफास्ट तुमने सिर्फ
हम दोनों के लिए बना है? हम दोनों के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? आज मैंने ब्रेकफास्ट सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है, अभी तो और भी कुछ पड़ा है, मैं लेकर आती हूँ। सुनहरा आज मेरी पसंद का दिन नहीं है संजना, आज तुम्हारी पसंद का दिन है। तुम अपनी पसंद की जिंदगी को चुनने जा रही हो आज। अरे तुमने अभी तक खाना शुरू नहीं किया। माय गॉड संजना, ना सारा खाना। संजना एक मिनट, यहाँ। क्या हुआ? बैठो। राज तुम खाना तो शुरू करो। मैं शुरू करूँगा। आज हम दोनों इकट्ठा साथ साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। तुम इतना सब कुछ बना लिया, मुझे हेल्प के लिए भी नहीं कहा तुमने। स्टॉप है यू नो। मैं आज सब कुछ अकेले ही बनाना चाहती हूँ, सब कुछ तुम्हारी पसंद, बस इसीलिए हेल्प लेना। क्यों, आज की आखिरी बार तुम मेरे ब्रेकफास्ट बना के ला रही हो? सब कुछ है, समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। तुम ये लो ना, तुम अपना ब्रेकफास्ट अपनी फेवरेट खीर से शुरू करो। खीर तो डेजर्ट होता है ना। बस बस बस, थैंक यू। मुझे तो सब कुछ नए सिरे से शुरू करना होगा संजना। एक तुम भी ये लो। गोपाल कहाँ रह गया? लगता है अकल के साथ साथ शक्ल भी बदल गई है कुणाल कपूर, लेकिन एक चीज अब भी नहीं बदली, वक्त के पाबंद अब भी हो। मुझे देखना यह है कि याददाश्त खो जाने से तुम वाकई में बदले हो, या फिर मेरे सामने वही पुराना कुणाल कपूर खड़ा है जो अपने आप को भुलाने का नाटक कर रहा है।